हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ एक जैसे करेले खा के आप बोर हो गए हैं, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बनाने में एकदम आसान है और खाने में सभी को ये बहुत पसंद आती है। आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 चम्मच से सौंफ, 1 चम्मच से धनिया और 1 छोटी चम्मच से मैंने जीरा, 8-10 काली मिर्च डाल दी है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे हमने भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें हमारी भुन गई हैं। अब गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी। इसमें 1 छोटी चम्मच से सरसों, पीली वाली सरसों और 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, इसको गर्म पैन में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसको थोड़ा सा मसाले को ठंडा करके इसको पीस के पाउडर बना लेंगे। और अब मैंने उसी पैन में 2 छोटी चम्मच से बेसन के डाल दिए हैं। इसको भी एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने भून लेना है बेसन को। तो यहाँ पे हमारा बेसन भी देखिए अच्छे से भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। और मैंने एक दूसरे पैन में थोड़ा सा पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए, और साथ ही उसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच से नमक डाल दिया है। और पानी को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे, अच्छे से इसको मिला देंगे नमक हल्दी को पहले इसमें, और इसको गर्म होने देंगे। अब मैंने यहाँ पे करेले लिए हैं जिसको कि देखिए इस तरीके से गोल गोल कट कर लिया और बीच में से सारे उसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ मैंने करेले सारे डाल दिए हैं और इसको हमने उबाल लेना है। एक बार ही जैसे ही उबलेगा उसके बाद 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उबाल इसमें आने लगा है। और अब इसको मैं बंद कर देती हूँ गैस का फ्लेम। इसको एक छलनी में रख देंगे ताकि इसमें से सारा पानी जो है वो निकल जाए। अब यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें जो हमने मसाला तैयार किया था पीस के मैंने उसका पाउडर बना लिया था वो ले लिया, साथ ही बेसन ले लिया और 1/2 कप मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेंगे, अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और अच्छे से फिर से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं और फटाफट से गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, 3 से 4 चम्मच तेल डाल दिए। और जो करेले हमने उबाल के रखे हुए थे उसको मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम तेज़ आंच पे ही फ्राई कर लेंगे। तो करेलों को जब हम इस तरीके से उबाल के बनाते हैं ना तो इसका कड़वा पानी सारा निकल जाता है, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं इस तरीके से बनाने में। तो तेज़ आँच पर ही मैंने करेलों को फ्राई कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं थोड़ा तेल कम कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाल दी, 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को हमने अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ प्याज हमारा हल्का सा भुन गया है तो मैंने ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसको भी हम प्याज के साथ 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने दही वाला जो पेस्ट बनाया है, मिक्सचर बनाया है, इसको हमने इसमें डाल दिया है। दही में मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। अच्छे से इसको चलाते रहेंगे, मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी दही में उबाल नहीं आने लगता है, तब तक हम चलाते रहेंगे। वैसे हमने इसमें बेसन और मसाले डाले हैं तो दही फटेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि दही उबलने नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए दही हमारा उबलने लगा है। अब इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर ढक के हम इसको भून लेंगे मसाले को अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको भून लिया है 4-5 मिनट के लिए, बीच बीच में चलाते हुए इसको मैंने भून लिया है। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, अच्छे से मिला देंगे। और अब इसमें हम डाल देते हैं करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो ये करेले भी इसमें डाल दिए हैं, अच्छे से करेलों को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और इसके बाद फिर हम इसको पकने देंगे
5-7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के हम अच्छे से मसालों के साथ करेलों को पका लेंगे। एक बार आपने इस तरीके से करेले बनाए ना तो आप हमेशा ही इसको बनाना पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5-7 मिनट के लिए करेलों को अच्छे से पका लिया है। मैंने यहाँ पे आधा कप पानी भी डाल दिया था। तो ये अच्छे से हमारे करेले यहाँ पे पक चुके हैं, बढ़िया से मसालों के साथ ये लिपट गए हैं और बहुत ही अच्छे से ये पक चुके हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये हमारे करेले की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप इसे रोटी, पराठे या फिर चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी ये इतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।